हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर वन। अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं किया है, इन टॉपिक्स को कर जाइए, ये रिपीट में प्रीवियस ईयर में आए हैं एंड आपके एग्जाम में आएंगे। आप खुद मुझे थैंक यू बोलने आओगे कि हमें ये टॉपिक्स आए हैं। तो इन टॉपिक्स को आप टारगेट करिए, इनको दोबारा दोबारा रिवाइज करिए, इनकी डायग्राम्स की, इनकी रिएक्शंस की, तो आपके उतने मार्क्स आ सकते हैं जितने आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं। आपके अच्छे स्कोर बन जाएंगे एमएससी में एंड आपके एग्ज़ाम अच्छे चले जाएंगे। तो इसके साथ साथ इन टॉपिक्स का मैं आपको हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ दूंगी, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगी, एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक का आपको आंसर की का एक पीडीएफ बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। उसमें एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 40 रुपीज़। अगर आपको वो पेमेंट नहीं करनी है तो वीडियोस अवेलेबल हैं, वीडियोस पर क्लिक करें, वहाँ पर नोट्स को आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो, अच्छे से समझिएगा तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं ऑर्गेनिक में। तो सबसे पहले है कैटिन एंड रिटेक्सिंस, इसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। डीलोकलाइज्ड पॉन्ट, क्रॉस कॉन्जुगेशन, फ्लोरेनस, पीएम अप्रोच ऑफ एरोमेटिसिटी, गैटरमैन कोच रिएक्शन, इक्सो अटैक, इनेंशियोमर एंड डाइस्टीरियोमर, स्टेरिक इफेक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, कैटायन कॉम्प्लेक्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड, कंफर्मेशन ऑफ शुगर, हैमेट इक्वेशन, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, रीजियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन, टोटोमेरिज्म विद एग्जांपल एरोमेटिक नेचर ऑफ एनोलिन्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद स्माइल रीअरेंजमेंट, विल्समेयर, हैक फॉर्मुलेशन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में आपको मैकेनिज्म जरूर बताना है, अदरवाइज अगर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन आती है तो उसमें एग्जांपल तो डेफिनेटली आप देकर ही आओगे। एंड रिएक्शन में आपके पास ऑप्शंस होती हैं, उन ऑप्शंस में से वो वाली चूज करिए जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन ही चेक होगी, थ्योरेटिकल पार्ट तो एग्जामिनर कम ही देखते हैं। SC1 एंड SC2 रिएक्शन, ड्राफ्ट रिएक्शन, इक्वेशन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इक्वेशन वाला क्वेश्चन के आगे अगर आपको थ्रेटिकल या रिएक्शंस आती हैं तो आप रिएक्शन के साथ जाइए। इक्वेशन में अगर आप बेस्ट हो, आपको लगता है इक्वेशन आपको अच्छे से आती है, तभी अटेम्प्ट करें। हाइपर कॉन्जुगेशन, अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक, नॉन अरोमेटिक, कंफर्मेशन एनालिसिस, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये कंफर्मेशन वाला पार्ट है शुगर से रिलेटेड, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी, उसका इफेक्ट एंड एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ओके। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन बाइफिनाइल। उसके बाद है क्राउन एथर, इंक्लूजन कंपाउंड एंड साइक्लोडेक्सट्रिन्स। तो जिसमें डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स आप अच्छे से करके चाहिए, अगर आप थ्रेटिकल पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो वो एग्जामिनर इतना नोटिस नहीं करता, लेकिन रिएक्शन एंड डायग्राम्स एंड इक्वेशंस इसको बहुत अच्छे से चेक करता है। तो इतना ही थे ये टॉपिक्स, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए एंड इसकी रिवीजन करिए। एंड जब भी आपका एग्जाम हो, अगर आपको ये टॉपिक्स एग्जाम में आए हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ जी, साथ में आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, लिंक पर क्लिक करके। थैंक यू।